नमस्कार दोस्तों। तो रिसेंटली बजट रेंज में मतलब वही 7000 के आसपास बहुत सारे नया स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है और दो तो मैं करेंटली रिव्यू कर रहा हूँ, प्रोबेबली एक और मेरे पास डिलीवर भी हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो इसलिए इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका बजट है 6 से 7000 रुपए के अंदर, आपको कोई भी कार्ड होने की कोई जरूरत नहीं, मतलब नॉर्मल विदाउट कार्ड ऑफर 6 से 7000 के अंदर कोई नया फोन अगर आपको लेना है तो इस वीडियो में आपको ऐसे टोटल 5 चॉइस के बारे में बताऊंगा जो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों जगह पे अवेलेबल है, तो उसमें से आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे स्मार्टफोन पहले से मेरे पास था जिसके अंदर एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स था, तो इसीलिए इस लिस्ट से मैंने वो सभी फोन को मैंने आउट कर दिया है जिसके अंदर हमें एंड्रॉइड 12 मिल रहा है, तो इसलिए मेरा टारगेट होगा एंड्रॉइड 13 या फिर अप आउट ऑफ द बॉक्स। तो अगर आपका बजट है 7000 रुपए तो हमारे इस लिस्ट का पहला स्मार्टफोन है Motorola E13 जो कि Flipkart में अवेलेबल है। करेंटली इसका प्राइस है 6500 रुपए। इसमें आपको मिलेगा 6.5 इंच HD प्लस 60Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 120Hz का टच सैमलिंग रेट, E1900T606 प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसके साथ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 4GB रैम, 64GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पे आपको मिलेगा eMMC 5.1 और उसके साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। बैटरी में होगा 5000mAh बैटरी, साथ में 10W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो इसके बाद में से कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक, कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये स्मार्टफोन का एक और बहुत ही बड़ी खासियत है ये कि अगर आपको बाई चांस लगता है कि 8/128GB वाला वेरिएंट चाहिए तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा 7500 रुपए। और अभी मार्केट में ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो कि आपको 7500 रुपए पे 8/128GB वाले स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगा। अभी इस फोन को मैंने नंबर वन लिस्ट में क्यों रखा, क्योंकि पहली बात तो मोटरोला मतलब स्टॉक एंड्रॉइड होने के कारण फोन में जो ओवरऑल लोड वो बहुत ही कम हो जाएगा। उसके साथ प्राइस पॉइंट का वन एंड ओनली ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आपको एंड्रॉइड 13 और 4/64GB ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, क्योंकि बाकी सभी फोन में आपको मिलेगा 3/64GB और उसके साथ कैमरा भी इसका ठीक ठाक है, तो इसीलिए मोटरोला E13 मेरे ख्याल से 7000 रुपए में सबसे नंबर वन चॉइस है। लेकिन इसके बाद आप लोगों के लिए दूसरा सबसे बढ़िया चॉइस है टेक्नो स्पार्क गो 2024 एडिशन जो कि मैं करेंटली रिव्यू कर रहा हूँ। ये फोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है अमेजोन पे, इसका प्राइस है 6700 रुपए। इसमें आपको मिलेगा 6.6 इंच HD प्लस 90Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 180Hz का टच सैमलिंग रेट। प्रोसेसर में आपको मिलेगा यूनिसॉक T606 प्रोसेसर, 13 और 1 AI सेंसर रियर साइड में, फ्रंट में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 3GB रैम, 64GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2 और जिसके साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, साथ में 10W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो इसके बाद में से कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करते हैं, आपको इसे मिलेगा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल स्टीरियो स्पीकर। और ये एक्चुअली प्राइस पॉइंट का वन एंड ओनली डिवाइस है जिसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा था ये फोन अभी मैं खुद टेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज मैंने देखा है, इसका जो डुअल स्टीरियो स्पीकर सच में बहुत ही बढ़िया है। और इस स्मार्टफोन का एक और बढ़िया फीचर है कि इसका जो डिस्प्ले, पहली बात इसमें आपको मिलेगा डॉट नॉच, उसके साथ जैसे एप्पल के फोन में मिलता है ना कि जो डायनामिक आइलैंड जैसा फीचर, तो इसमें भी आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड वही डायनामिक आइलैंड जैसा फीचर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें इस लिस्ट का तीसरा सबसे बढ़िया चॉइस है Infinix Smart 8 HD। ये फोन भी अभी करेंटली मेरे पास है और इसका मैं रिव्यू भी कर रहा हूँ। तो ये जो फोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है Flipkart पे, इसका प्राइस है 6300 रुपए। इसमें आपको मिलेगा 6.6 इंच HD प्लस 90Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 180Hz का टच सैमलिंग रेट। प्रोसेसर में आपको मिलेगा यूनिजॉक T606 प्रोसेसर, 13 और 1 AI सेंसर रियर साइड में, फ्रंट में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 3GB रैम, 64GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2 और उसके साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, साथ में 10W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो इसके बाद में से कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करते हैं, आपको इसे मिलेगा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन इसके साथ जो स्पीकर वो आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर। अभी ये जो फोन मैंने बताया कि Infinix Smart 8 HD, अभी तक मैंने जितना रिव्यू किया है ये फोन एग्जैक्टली टेक्नो स्पार्क गो 2024 के जैसा ही है, डिफरेंस आपको मिलेगा एक ही जगह पे जो कि इसका स्पीकर। टेक्नो पे आपको मिलेगा डुअल स्पीकर, इन्फिनिक्स पे आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर। उसके साथ मैंने ये चीज देखा है
टेक्नो का जो कलर साइंस वो स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू इन्फिनिक्स। तो इसलिए इस दोनों फोन के अंदर 400 रुपए का प्राइस डिफरेंस आपको मिलेगा। अभी इसके बाद हमारे इस लिस्ट का चौथा सबसे बढ़िया चॉइस है लाभा 01। ये फोन अभी अमेजोन पे अवेलेबल है। करेंटली इसका प्राइस है 7400 रुपए। इसमें आपको मिलेगा 6.6 इंच HD प्लस 90Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 180Hz का टच सैमलिंग रेट। प्रोसेसर में आपको मिलेगा यूनिजॉर T606 प्रोसेसर, 13 और एक AI सेंसर रियर साइड में। फ्रंट में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 3GB रैम 64GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X। मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2 और उसके साथ डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट। बैटरी में होगा 5000mAh बैटरी, साथ में 10W का चार्जर और उसके साथ USB Type-C का कनेक्टिविटी। तो अगर हम इसके भी कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 3.5mm जैक। और इस स्मार्टफोन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे लोग चाइनीज ब्रांड के स्मार्टफोन लेना नहीं चाहते। तो अगर आपको स्पेशली इंडियन ब्रांड की तरफ से स्मार्टफोन लेना है तो ये जो लाभा 01 7000 रुपए के आसपास का सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन है। और इसके बाद हमारे इस लिस्ट का जो आखिरी चॉइस वो एक्चुअली सैमसंग लवर की तरफ से। फोन का नाम है गैलेक्सी M04 जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है। करेंटली इसका प्राइस है 6800 रुपए। इसमें आपको मिलेगा 6.5 इंच HD प्लस 60Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ कितना टच सैमलिंग रेट है कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। प्रोसेसर में आपको मिलेगा हीलियो P35 प्रोसेसर, 13 और 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, उसके साथ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी। इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा इसका 4GB रैम 64GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X। मेमोरी पे आपको मिलेगा eMMC 5.1 और उसके साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, साथ में 10W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो इसके बाद में से कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करता हूं, आपको इसे मिलेगा Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक और इसमें आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस लिस्ट में मैं कोई भी Android 12 वाले स्मार्टफोन को नहीं लूंगा, लेकिन इस फोन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें आपको 2 साल का मेजर OS अपडेट मिलेगा। मतलब Android 12 से शुरू हो रहा है, खत्म होगा Android 14 पे और बाकी सभी स्मार्टफोन Android 13 से शुरू होगा, 14 पे होगा खत्म। तो अभी वीडियो को आखिर में मैं आपको थोड़ा सा एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं कि कौन सा फोन किस लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। पहली बात तो जिन लोगों को प्रॉपर वाले इंडियन ब्रांड की तरफ से फोन लेना है उन लोगों के लिए लाभा 01 सबसे बेस्ट है। जो लोग थोड़ा सा ब्रांड को लेकर ज्यादा कॉन्शियस है उन लोगों के लिए जो गैलेक्सी M04 या फिर जिसका दूसरा नाम है गैलेक्सी F04 एक फ्लिपकार्ट पे एक अमेजोन पे उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। और सैमसंग का फोन है मतलब ऑफलाइन पे भी मिल जाएगा और लाभा का फोन है मतलब ऑफलाइन पे मिल जाएगा। जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD प्रोबेबली आपको ऑफलाइन पे नहीं मिलेगा क्योंकि इन्फिनिक्स जनरली ऑनलाइन ऑनली ब्रांड है, लेकिन जो टेक्नो स्पार्को 2024 एडिशन हर एक शहर में जो बड़े मॉल्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को थोड़ा सा स्टॉक एंड्रॉइड वाले स्मार्टफोन पसंद है उन लोगों के लिए मोटरोला E13 होगा सबसे बेस्ट। तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि आपको सभी फोन्स के अंदर कौन सा सबसे बढ़िया लगा और आप कौन सा लेना चाहेंगे और इसके बाद आप ऐसे टॉप 5 कौन सा लिस्ट आप देखना चाहेंगे वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड और ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।